नीतीश कुमार जी को मान लीजिए कि वो मोदी जी का विरोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। 29 तारीख को मान रहे हैं कि बाजी पूरी पलट सकती है एनडीए के हाथ। उनको पता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा इनको अगर पोषित किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, तो निश्चित ही जो है जेडीयू कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा बिहार से। जो मंत्रालय माननीय नीतीश जी ने, चंद्रबाबू नायडू ने मांगे हैं, वो ऐसे मंत्रालय हैं कि जिससे अगर वो मंत्रालय उनके पास आ जाएंगे तो ये खुद ये फंस जाएंगे। मोदी जी का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? क्या है बता दीजिए। जुमला मोदी। कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम जी ने कहा भी इतने बड़े नहीं हुए वो, हम तुमको भी नहीं लाएंगे। अगले 6 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये वादा है आपसे। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के? सही आदमी हो। देखिए सही आदमी सब पलटेंगे तो है ही। रात में मोदी सोते नहीं है, एक आंख खुली रहती है, अरे के नीतीश जी भाग तो नहीं गए, अरे नायडू जी भाग तो नहीं गए, नींद नहीं आ रही है, नींदें उड़ गई है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। 29 जून काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है देश की राजनीति पे, ऐसा तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। 29 दिसंबर 2023 की याद दिलाऊंगा तो उस समय आपने देखा था किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में जिस समय एंट्री करती है, उस समय आपने देखा जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं और सरकार रहती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। उसके बाद तमाम सारी चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर होने लगती है और लोग बोलते हैं कि ये पलटू राम है। लेकिन अगर देश भर की अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया राजनीति अगर इस समय अगर कोई कर रहा है तो वो नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। और उस समय अगर बात की जाए 29 दिसंबर 2023 की, तो दिल्ली में एक बैठक होती है और उस बैठक के बाद ये सारे कारनामे हो जाते हैं। और 29 जून को भी एक बैठक होनी है जनता दल यूनाइटेड की, कार्यकारिणी बैठक होगी और इसके बाद तमाम सारी बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा हो सकते हैं, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। और इन सभी चर्चाओं के बीच में आपको बता दें नीतीश कुमार ने बातें ये तक होती हैं कि इनके नेताओं ने जो मंत्रालय मांगे थे वो मंत्रालय इनको नहीं मिले, जैसे कि इनके द्वारा मांगा गया था वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद, ये सब पद नहीं मिले। और उसके बाद इनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। ये तक बातें होती हैं कि नीतीश कुमार अब जो स्टेट है उसको बेटर स्टेट के तर्ज पर स्टेट को मांग सकते हैं, बिहार को एक अलग दर्जा दिया जाए, ये सब बातें हो सकती हैं। और अगर आगे आने वाले समय में संसद भवन में जिस समय बैठकें होंगी, जब अग्निवीर योजना की बात होगी, नीतीश कुमार ने कहा कि अग्निवीर योजना का साथ देंगे। चुनाव भर में आपने सातों चरण में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी बात नहीं की अग्निवीर योजना, जबकि वो लाए हुए थे। सामाजिक न्याय की बात होगी, जातीय जनगणना की बात होगी, तो क्या कुछ है पब्लिक से ही बात करते। शुरुआत आपसे, 29 तारीख को बैठक होने जा रही इंडिया गठबंधन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखी जा रही है, और एनडीए गठबंधन के लिए भी, और नीतीश कुमार ये बैठक करने वाले 29 दिसंबर 2023 को, एक बड़ा खेल हो चुका है। नहीं, खेल होने की शुरुआत हो गई है और निश्चित ही जिस तरीके का नीतीश कुमार जी का वो रहा है, वो देश को जोड़ने वाले नेता हैं। और नीतीश कुमार जी ने ही जो है इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी थी, जब इंडिया गठबंधन का नाम भी नहीं तय था। वो लगातार पिछले 2 सालों से, इस चुनाव से पहले लगातार 2 सालों से जो है इस चीज़ की मेहनत कर रहे थे कि सारे लोग इकट्ठा हों, और ये नीतीश कुमार जी की सोच थी। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी को मान लीजिए कि वो मोदी जी का विरोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। एनडीए के कुनबे में जब 2014 का चुनाव हो रहा था और वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी का कैंडिडेट बनाया गया था, तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए से किनारा कर लिया था। और समय की अगर बात की जाए, जो मंत्रालय जो मांगे गए थे नीतीश कुमार द्वारा, वो मंत्रालय नहीं मिले। ललन सिंह की अगर बात की जाए और साथ ही साथ केसी त्यागी की, पूरा विरोध कर रहे हैं अंदर। जानते हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे आपके चंद्रबाबू नायडू हो, वो सभी जानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, ये कमज़ोर तो हुई है मगर अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं और ये लोग दल तोड़ने का काम करते हैं, ये लोग दिल तोड़ने का काम करते हैं। तो इन लोगों से वो लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक परिणाम आएंगे। और देश की जनता जो सरकार लाना चाहती थी, वो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग से, उनके साथ से निश्चित ही आएगी। 29 तारीख को मान रहे हैं कि बाजी पूरी पलट सकती है एनडीए के हाथ से? पूरी तरीके से पलटेगी, पलटना चाहिए,
क्योंकि देश की आने वाले एक साल बाद जो है देखिए बिहार में चुनाव है और आवाम का जो मैसेज है उस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने समझा है और आने वाले समय में अपना खुद का भी भविष्य देखना है ना, खुद की भी पार्टी देखना है, खुद की विचारधारा को भी जीवित रखना है और जिस तरीके की इस समय भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है इन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, वो विचारधाराओं को तोड़ने का काम करते हैं, वो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और उनको पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनको अगर पोषित किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को तो निश्चित ही जो है जेडीयू कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा बिहार से। आपसे प्रश्न लूँगा, तारीख वही है 29 दिसंबर 2023 था, सन बदला है, साल बदला है और साल के साथ महीना बदला है, 29 जून को एक और बैठक है, राजनीतिक विशेषज्ञ देख रहे हैं कि इस बार नीतीश सब पूरी बाजी पलट के रख देंगे। सबसे पहले तो मैं 4 PM को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल को। भारतीय जनता पार्टी का नाम अभी लोगों को नहीं मालूम है, भारतीय जनता पार्टी का नाम है बहुत झूठी पार्टी, सिर्फ मक्कारों की पार्टी है। इन्होंने सिर्फ ED, CID, CBI ये सब भेजने का काम किया है। मुजफ्फरपुर का जो बालिका कांड था इस पर अभी CBI की जांच भी बैठ गई है, JDU के उसमें तमाम सारे नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने काम भी हो। भैया देखिए एक बात हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी में जो रहेगा वो सेफ रहेगा और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर आएगा उसको जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, ये आप समझ लीजिए। इसका नाम ही बहुत झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हर जो भी पार्टियां सबको प्रताड़ित करने का काम करती है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में लोग आ जाते हैं वो सेफ हो जाते हैं। तो अभी जो FIR एक हुई भी है तो क्या लग रहा, शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया भाजपा ने? बहुत बातें हम आपको बता तो रहे हैं कि ये पार्टी बहुत मक्कारी पार्टी है, ये अभी देखिएगा ये अपनी पूरी ताकत लगा देगी, जो 29 तारीख को जो बैठक होने जा रही है ये अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि मेरी सरकार ना जाए, आप ये समझ लीजिए। लगता है 29 को बड़ा खेल होने वाला हो जाएगा खेल, आप देखिएगा नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए आपके जो है नेता हैं और ये जो है अभी बहुत कुछ अंदर ही अंदर खेल चल रहा है, अपने पत्ते कोई भी पार्टी खोलना नहीं चाह रही है, वो वक्त आने पे खोलेगी। लेकिन जो मंत्रालय मांगे गए थे, मंत्रालय की जो बातें हो रही थी वो भी नहीं मिले, कार्यकर्ता तो काफी सबको मालूम है कि मंत्रालय कहाँ से दे देंगे, जो मंत्रालय माननीय नीतीश जी ने चंद्रबाबू नायडू ने मांगे हैं वो ऐसे मंत्रालय हैं कि जिससे अगर वो मंत्रालय उनके पास आ जाएंगे तो ये खुद ये फंस जाएंगे। अडानी अंबानी ये पूरे जो देश चल रहा है वो अडानी अंबानी के इशारे पे चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं, ये अडानी अंबानी चला रहे हैं पूरा देश को। 29 तारीख को एक बड़ी बैठक होनी, पूरे देश भर की नज़र है, नीतीश कुमार 29 दिसंबर को एक बैठक किए थे, पूरी पलट गई थी बाजी, इंडिया छोड़ के इंडिया का हिस्सा हो गए थे और अभी की बात हो रही फिर से पलटने वाली है, क्या चल रहा मन? पहले हमें बताइए NDA का फुल फॉर्म क्या है, नीतीश डेमोक्रेटिक अलायंस कि नायडू डेमोक्रेटिक अलायंस, बताइए, जवाब है आपके पास? नहीं होगा, दिमाग में लोगों का चल क्या रहा है आज? चाचा है, सम्मान करते हैं। मोदी जी का नाम छोड़ के अब नीतीश की बातें क्यों होने लगी? मोदी जी को ना पहले आदमी पसंद कर रहा ना आप पसंद कर रहा है, मोदी जी का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? क्या है बता दीजिए। जुमला मोदी, फेकू मोदी, फेंकते हैं जुमला, फेंकते हैं, जुमलेबाज हैं, 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन तीसरी बार शपथ मिली है, अयोध्या भी तो हारे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं आप, अयोध्या का मंडल हारे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं आप, कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम जी ने कहा भी इतने बड़े नहीं हुए वो, हम तुमको भी नहीं लाएंगे, और शपथ जिसे शपथ ले रहे थे आपने मुंह देखा था लटका हुआ था, 4 दिन से सदरी नहीं उतरी थी, हर एक अलग ही सदरी पहने थे, जो व्यक्ति हर 1 घंटे में कपड़ा बदलता हो 4 दिन से सदरी नहीं उतरी, इसका कारण क्या है? कॉन्फिडेंस अपना लूज कर चुके हैं मोदी जी। अभी 29 को क्या चल रहा है, 29 को ये भी बात हो रही है स्पेशल राज की मांग कर सकते हैं, ये भी मांगे हो सकती हैं कि नीतीश को जो मंत्रालय नहीं मिले उसको लेकर के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और नीतीश अपने कार्यकर्ताओं के सुनते बहुत हैं। 29 तारीख को कौन सा खेल होने वाला, क्या इसका इंतजार करिए, खेला होगा इस देश में परिवर्तन होगा और मैं बता रहा हूँ 29 नहीं अगले 6 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये वादा है आपसे, और उसी दिन हम आपको मिठाई खिलाएंगे क्योंकि उसी दिन देश की पत्रकारिता, लोकतंत्र और संविधान आजाद होगा। नीतीश कुमार को मानते हैं कि पलट जाएंगे? नीतीश जी चाचा हैं, सम्मान करते हैं, जहां उनको सम्मान मिलेगा वो आएंगे, मोदी जी सम्मान नहीं दे पाएंगे,
मोदी सम्मान अगर देते हैं तो अडानी अम्बानी को देते हैं जो पिछले 10 सालों में दिया है, ना जनता को दिया है ना अपने आप को दिया है, अडानी अम्बानी के हाथों देश को बेच दिया है। अभी मुजफ्फरपुर जो बालिका कांड था उस पर जांच शुरू कर दी है, एक FIR भी हो गई है और नीतीश कुमार की पार्टी के ही तमाम नेता इसमें सम्मिलित माने जा रहे थे, शिकंजा कसने काम हो चुका है। आज रेल हादसा हो गया, चर्चा उस पर भी होनी चाहिए, इतने रेल हादसे हो गए, अश्विनी चौबे जी जा रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फीता काटने जाते हैं क्या? जब रेल हादसा होता है तो मोदी नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर रेल का उद्घाटन करना होगा तो मोदी जी आ जाएंगे। भाइयों बहनों, देश हित में रेल का उद्घाटन करने आया हूँ, सही है कि नहीं हादसा, वो सही है कि नहीं मुझे बताएं मोदी जी, इतने लोग खत्म हो गए, उनको मुआवजा कब देगी सरकार? ये निर्लज सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये दो उद्योग प्रधानमंत्री शपथ लिए से खुश नहीं है लगता, कोई नहीं खुश है, कोई भी नहीं खुश है। इंडिया गठबंधन की तूफान आया था उत्तर प्रदेश में, राहुल जी ने कहा था कि तूफान आने जा रहा है, सब लोग हल्के में ले रहे थे, 4 जून को देखिए डिलीवरी नॉर्मल हो गई है, ऑपरेशन नहीं हो पाया उसमें। समझा दीजिए सब लोग सुन रहे, जनता बहुत समझदार है, ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनता है, बहुत समझदार है। 4 जून को डिलीवरी नॉर्मल हुई है, इसीलिए इस देश में सरकार जो बनी है ना वो यूं हिल रही है, कभी भी रात में मोदी सोते नहीं है, एक आंख खुली रहती है, अरे कहीं नीतीश जी भाग तो नहीं गए, अरे नायडू जी भाग तो नहीं गए, नींद नहीं आ रही है, नींदें उड़ गई हैं। क्या कह रहे थे बीच में? बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोगों ने टोटी चोर कहा, माननीय राहुल गांधी को जो है पप्पू कहा, हिंदुस्तान की जनता ने एक आवाज दी और कहा, श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, फैजाबाद हराया, अमेठी जो पक्का सीट मानी जाती थी भाजपा की, वो जो है सीट इतने प्यार से हमारे राहुल गांधी जी ने अपने पल्ले में खींची कि भाजपा के लोग देखते रह गए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा कर लिया है 2027 में इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराएगा। क्या कह रहे हैं? देख रही है जनता क्या कह रही है, जो जनता कह रही है वो अपने दिल की बात कह रही है, और जनता चाहती है बदलाव हो, और बदलाव हो के भी रहेगा, क्योंकि देखिए 18-18 घंटे काम करने की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, अब 18-18 घंटे मैनेज कर रहे हैं। एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, अमित शाह कह रहे थे थामो नीतीश जी आ रहे थामो, तो वो जनता ने उस वीडियो को देखा है कि उन्होंने किस तरीके से नीतीश कुमार जी को थामने का काम किया है, मगर नीतीश कुमार जी थामने वाले नहीं हैं। 29 तारीख को पूरी तरीके से बदलाव निश्चित है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन जो है, जो नाम भी नहीं पड़ा था, उसका बीजारोपण किया था, और जो बीज लगाता है ना, देखिए असली किसान होता है, ध्यान रखता है, और जो फसल कटने का समय आया है, अभी भले ही जो है गट्ठर जो है फसल के उनके यहाँ पड़े हैं, मगर ये जो फसल का अनाज है वो जनता की थाली तक पहुँचेगा। नीतीश कुमार जी बहुत समझदार नेता हैं, और बिहार जो है हमेशा से बदलाव की जो है शुरुआत करता आया है। 29 तारीख को क्या सोच रहे? काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, नीतीश कुमार एक बैठक फिर से करने जा रहे हैं दिल्ली में, बदलाव के लिए बैठक करने जा रहे हैं, और बदलाव तय है। जैसे 2024 की जनता ने देखा चुनाव में, आपने खुद में देखा कि 80 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ, उसमें 48 सीटें यूपी से आई इंडिया गठबंधन की, उसी को देखते हुए पूरी तरह से उम्मीद यही है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और ये पलटाव होगा। लगातार नीतीश को लेकर अब चर्चा होती, मोदी जी का नाम गलियों में नहीं सुनाई पड़ता। मोदी जी ने कहा तो नाम वैसे भी भाजपा वाले भी नहीं लेते हैं, उन्होंने तो अपने को ख़त्म ही कर दिया, मोदी भाजपा सरकार का नाम ख़त्म करके मोदी सरकार और मोदी की गारंटी कर दिया, उनको तो सिर्फ अपना नाम चाहिए, भाजपा तो यही ख़त्म कर दिया है ना मोदी जी ने। तो नीतीश सर बड़ा खेला करने जा रहे हैं, बिल्कुल खेला हो गए, देखिए नीतीश बड़ा खेला करने जा रहे हैं, यहीं पर लोकल हैं जी, क्या चल रहा मन में? नीतीश कुमार तो अब 29 तारीख को एक बड़ी बैठक करने जा रहे, एक बैठक और की थी पलट गए थे, एक बैठक और होने जा रही, मन में क्या? इस बार इंडिया गठबंधन का हो जाएगा पूरा, नीतीश कुमार आ जाएंगे वापस। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का जी। तो राजनीति अब नीतीश कुमार समझ में आने लगे या नहीं समझ में आते आम आदमी को? इतना नहीं, लेकिन ये आ रहा है कि पलट जाएंगे। हाँ ये आ रहा है, पलट जाएंगे इंडिया गठबंधन में। बैसाखी की सरकार चलेगी नहीं चलेगी। देखिए ये आम आदमी जिनसे बात हो रही है, हमारी तमाम लोग है पीछे तक के देख रहे हैं सभी, आपसे भी एक प्रश्न ले लेते हैं,
29 दिसंबर 2023 को एक बैठक हुई थी, उसके बाद पूरी बाजी नीतीश ने पलट दी थी, एनडीए का हिस्सा हो गए थे। और अभी तारीख वही है 29 जून। महीना बदल गया, साल बदल गया, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें होती हैं पब्लिक के बीच में वही हो रही। क्या चल रहा मन में? तो बदलाव चल रहा है, नीतीश कुमार जी फिर से आएंगे, इंडिया गठबंधन शामिल होएंगे। मोदी जी भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, उनकी वो सरकार पे भरोसा नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को इतना पसंद क्यों करने लगे लोग, वो भी यूपी के? अब उनको पसंद कर रहे हैं, वो अपना बिहार में काम भी अच्छा कर रहे हैं, उनके पास सीटें भी अच्छी हैं और सबके साथ हैं वो। ये देखिए, राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में है और यहाँ पे देखिए बातें हो रही हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं और पूरे देश भर में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। चाचा एक प्रश्न आपसे ले ले, रुक जाइएगा। नीतीश कुमार जो एक बैठक किए थे 29 दिसंबर 2023 को पलट गए थे, एनडीए का हिस्सा हो गए, और अभी की बात की जाए 29 जून को एक और बैठक है, क्या लग रहा पलटेंगे? हाँ पलटेंगे, मन में आता है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, लखनऊ में बैठे हुए, पुराने लखनऊ में है, यहाँ उत्तर प्रदेश में बिहार की बातें हो तो नीतीश इतना लोकप्रिय क्यों हो गए? अरे लोकप्रिय हो गए बस बिहार की वजह से। बढ़िया पॉलिटिक्स करते हैं? बहुत सही। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के लिए? सही आदमी हो। देखिए सही आदमी सब पलटेंगे तो है ही, जब ही तो बनेगा ना मसला, जब ही बनेगा मसला। इंडिया का बनाना है कि इंडिया का गठबंधन? इंडिया गठबंधन का। मोदी जी को पसंद नहीं करते मतलब? तो ये देखिए कि आम जनता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, यहाँ पे बातें बिहार की हो रही और 29 तारीख को जो बैठक होने वाली है उस पर लगातार चर्चाएं पब्लिक भी कर रही है कि 29 तारीख को नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलट जरूर सकते हैं। बातें हो रही हैं एक स्पेशल राज्य बिहार को घोषित करने की। आपने देखा कि किस तरीके से प्रवक्ता जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, वो ये कहते हैं हमारी विचारधारा अलग है लेकिन हम एनडीए का हिस्सा हैं। अगर बातें अगर नहीं बनी तो कुछ ना कुछ बड़ा खेला हो सकता है। एक तरफ बैसाखी पे नायडू है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। आपने देखा एनडीए का फुल फॉर्म भी लोगों ने किस तरीके से दिया, तो लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज देने का काम जरूर कर रहे हैं नीतीश, और नीतीश धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इस समय सबसे ज़्यादा अगर बात हो रही है तो वो नीतीश कुमार की हो रही है। और क्या कुछ होगा 29 जून को ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।